हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अगेन ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए लाए जहां पे आप घर बैठ के काम करके आप यहां पे ऑनलाइन अर्निंग आप यहां पे बना सकते हैं। जहां दोस्तों एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टेस्ट बुक, जहां पे आपको अलग अलग ओपनिंग्स मिल रही है, जहां पे आपकी कैटेगरी आपका जो फील्ड है वहां पे आप अप्लाई करके यहाँ पे सिलेक्ट होके आप यहाँ पे अपने कुछ यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम जॉब से, कुछ फुल टाइम है, कुछ वर्क फ्रॉम ऑफिस से और कुछ वर्क फ्रॉम होम जॉब से, जो भी जॉब आपके रिलेवेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ईच एंड एवरी जॉब यहाँ पे बताऊंगा और वहां पे अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऐप है जीरोधा ऐप। वहां पे बाय करना, सेल करना, पोजीशन होल्ड करना, उसकी पोजीशन देखना, सब कुछ एकदम आसान है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एक ऑनलाइन ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करने की लिंक है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां पे जाके आप 7 स्टेप से अप्लाई करने के वो आप कंप्लीट करके आपको ट्रेडिंग करके आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें वित्तीय जोखिम भी शामिल है, इसमें आपको फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है उसका नाम है टेस्ट बुक। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर, ये टेस्ट बुक एक ऑनलाइन एजुकेशन फील्ड में यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे देखिए, आपको जो भी मतलब आप एसएससी में सिखाना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए रेलवे एग्जाम से, बैंकिंग एग्जाम से, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल स्किल जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी ओपनिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रीलांस एसएमई, फ्रीलांस मतलब आपको यहाँ पे घर बैठ के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अलाउज रिमोट, यानी कि आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी जॉब कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रीलांस एसएमई लाइब्रेरियन एग्जाम से, केमिस्ट से, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग फील्ड है और अलग अलग पोस्ट है, यहाँ पे आप जाके अप्लाई करके आप यहाँ पे अपना अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब ये जो सीईओ की पोस्ट है वर्क फ्रॉम ऑफिस है, फुल टाइम पोस्ट है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आपके पास अभी जॉब नहीं है, क्वालिफाइड है लेकिन आपके पास अभी जॉब नहीं, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस रेगुलर आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फैकल्टी फुल टाइम है इंग्लिश के लिए, आप एसएम यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जॉब की फुल टाइम है लेकिन आपको घर बैठ के यहाँ पे काम कर देना है। एसोसिएट इन एसएमई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ओपनिंग्स है। अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, अगर आपकी कैटेगरी जॉब यहाँ पे मिल सकती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की कितनी सारी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, डाटा एनालिस्ट की जॉब अवेलेबल है। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फ्रीलांस सब्जेक्ट मैटर लॉजिकल रीजनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जीके, देन लाइब्रेरियन एग्जाम्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको आंसर करके स्टूडेंट्स को भेज देना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने की लिंक है जो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने प्रोवाइड की है, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज आएगा, वहां पे आपको सब कुछ यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब ये जो है फ्रीलांस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है केमिस्ट्री में, वहां पे आपको एज फ्रीलांस एसएमई हु हैज गुड सब्जेक्ट नॉलेज इन केमिस्ट्री, मतलब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको आपने जो भी सब्जेक्ट है उसमें अच्छा खासा नॉलेज आपको चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्यूरीज आते हैं, उनको सॉल्व करने की जो भी टेक्स्ट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अब रोल्स क्या है, एनालाइज एंड रिसर्च एग्जाम पैटर्न टू रिमेन अपडेटेड, मतलब देखिए दोस्तों ये जो एजुकेशन फील्ड है वहां में रेगुलर तौर पे कुछ अपडेट आती होती है। ठीक है, सो आपको अपडेट रहना पड़ता है क्योंकि कुछ एग्जाम अलग होता है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कुछ टेस्ट सीरीज होती है वो आपको बनानी पड़ेगी,
कुछ कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस, मतलब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सीधी तरीके से जो इजी स्टेप्स होते हैं उस इजी स्टेप को फॉलो करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देने हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एजुकेशन का क्राइटेरिया एज सच कोई तो यहाँ प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब आप यहाँ पे 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है तो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करें, अगर आप 12th पास है तो अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो अगर आप ग्रेजुएट है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, और उसके साथ साथ आपको एमएस ऑफिस एंड एमएस वर्ड का नॉलेज होना भी यहाँ जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखिए दोस्तों, नीचे आपको फॉर्म मिलेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, करंट लोकेशन जो भी है यहाँ पे आप सबमिट कीजिए, और लास्ट में आपको आपका रिज्यूम एक अपडेटेड रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कीजिए। अब रिज्यूम कैसे बनाएं उसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवा सकते हैं, वो बना के आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, आपका एप्लीकेशन हो जाएगा सबमिट। अब यहाँ पे आपको पर क्वेश्चन या फिर आपको पर डे पर मंथ कितना सैलरी मिलेगा वो सब कुछ आपको आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे वाया फोन और वाया मेल्स आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। सो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे मतलब बहुत दिनों से एक काम कर रहा है, बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, एक इंडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सो आप यहाँ पे आके अप्लाई करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत सारे जॉब्स है यहाँ पे, आप यहाँ पे आके चेक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।